नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज और मैं हूं आपके साथ चित्रंजन कुमार। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है और पहले फेज में वे बेगूसराय और औरंगाबाद पहुंचेंगे। औरंगाबाद में भाजपा कार्यकर्ता लगातार बैठक कर रहे हैं और उस बैठक के बाद बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकले भाजपा के जिला प्रवक्ता जितेंद्र जी हैं, हम उनसे आइए जानकारी लेंगे कि आज बैठक के बारे में और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आगमन औरंगाबाद में होने जा रहा है उससे जुड़ी हुई जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। आज की बैठक की गई है, इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया? आज का अहम बैठक था, भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई का बैठक था, इसमें प्रदेश से लोग आए हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो मोदी जी का कार्यक्रम है 2 मार्च को वो फाइनल हो गया है, स्थान रतनुआ में है और यहाँ पे लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। उसी के व्यवस्था के लेकर के बैठक थी, किस तरह से हम लोग व्यवस्था करें कि सड़क जाम ना हो, बाइक का हर तरफ से माने ज़िले के गोले गोले कोने से आने वाले एक बाइक जिस साइड से आएंगे वहाँ पे उसके बगल में बाइक स्टैंड बनाया जाएगा। शहर में जगह जगह शहर से पहले बड़ी गाड़ी का रख रखाव के लिए स्टैंड बनाया जाएगा और इसका विशेष रूप से एक उद्देश्य है, बिहार में वो पहला बार आ रहे हैं इस कार्यक्रम 9 साल बाद। 9 साल पहले 2015 में आए थे, उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री थे। इस बार आ रहे हैं, दुनिया मान रही है प्रधानमंत्री का लोहा, दुनिया मोदी मोदी कर रहा है, उसके बाद ये पुनः अपने 9 साल बाद दूसरे कार्यकाल के बाद तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही, चूँकि तीसरा कार्यकाल के शुरू होने वाला है, चुनाव का घोषणा होगा कुछ दिन बाद और निश्चित रूप से मोदी जी को आना है चुनाव के बाद, तो वो कार्यकाल का शुरुआत बिहार में औरंगाबाद से देवभूमि से करने जा रहे हैं। क्या लगता है अगर प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं तो, पिछले बार उत्तर कोयल नहर की बात किए थे, अब तक तो उत्तर कोयल नहर में पानी नहीं आई, इस बार मोदी जी आ रहे हैं तो इस बार भी कोई घोषणा होगी या फिर वैसे ही जाएंगे? बहुत तरह के घोषणा होगी और उत्तर कोयल में बहुत काम हो चुका है, उस परियोजना में बहुत ज़्यादा करके फंड आ चुका है, वो घोषणा मोदी जी घोषणा नहीं करते हैं, मोदी जी का एक एक बात गारंटी का होता है, मोदी की गारंटी उसका नाम ही है, वो घोषणा करना नहीं जानते हैं, घोषणा करने के बाद वो काम निश्चित रूप से करते हैं, कहीं ऐसा हुआ ही नहीं कि मोदी जी घोषणा किए और काम नहीं हुआ। औरंगाबाद और बेगूसराय को ही पहली बार क्यों चुना गया? देखिए, ये देव की सूर्य भूमि है, सूर्य भूमि में पहला बार वो आ रहे हैं और यहीं से अपना चुनावी शंखनाद करेंगे और पूरा जनता में मतलब इस तरह से वातावरण बन गया है कि हमारे मोदी जी आ रहे हैं, हम लोग मोदी जी से मिलने जरूर जाएंगे, पूरा इलाका एकदम तमाम मोदी मय हो गया है, मोदी मोदी राप कर रहा है, चूंकि ये राम जन्मभूमि जो कार्यक्रम हुआ है 22 जनवरी को, उसके बाद मोदी जी के लिए हर व्यक्ति के मन में भाव लग गया है, मोदी जी का ऐसा भाव है कि वो भाव का कोई तुलना व्यक्ति से नहीं कर सकता है, ये अलग तरह का व्यक्तित्व है और मोदी जी का व्यक्तित्व कोई सरल नहीं है, वो व्यक्ति कुछ अगले दर्जा के लगता है, वो कोई मानव पुरुष हैं उस तरह से जो काम किए हैं। आज तक की जो सरकार थी, जिसकी भी सरकार रही, अभी तक किसी सरकार ने ये काम सोचा भी नहीं कि ये होगा जो काम मोदी जी ने करके दिखाया। हर एक बच्चा आज बोलता है कि राम के अवतार हैं मोदी जी और आज हमारा औरंगाबाद जिला राममय होने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे हमारे साथ भाजपा के जिला प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने हमें बैठक के बारे में जानकारी दी, मोदी जी के आगमन को लेकर तैयारी के बारे में चर्चा किया। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीतयोग न्यूज़ ने ही यह खबर चलाया था कि औरंगाबाद में फरवरी लास्ट में या फिर मार्च शुरू में औरंगाबाद में मोदी जी का आगमन होगा। आइए फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद।